तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे आज मैं सर्च दस के कहाँ जा रहा हूँ बाइक पे बैठ के, और ये कौन है जो बाइक चला रहा था। दोस्तों मैं बता दूँ, ये हमारे जीजा जी हैं जिनके घर पे मैं रुका हुआ था। पिछली वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये इन्हीं के घर हम रुके थे एग्ज़ाम देने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारा एग्ज़ाम आज है और जीजा जी मुझे ले कर चल रहे हैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो फाइनली मैं चलता हूँ एग्ज़ाम देने के लिए और जीजा जी मुझे छोड़ के चले आएंगे। तो फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ अपने कॉलेज और जहाँ पर एग्ज़ाम है हमारा। फाइनली पहुँच चुके हैं अपने सेंटर पर जहाँ पर हमारा एग्ज़ाम है। तो फाइनली ऊपर के साइड में है, तो चलो अभी हम बैग वगैरह जमा कर देंगे। जीजा जी छोड़ के हम यहाँ से चले गए रूम पे, तो यहाँ से हम परीक्षा दे लेंगे, फिर इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो चलो अभी बैग वैग जमा कर देते हैं, मोबाइल भी जमा करेंगे दोस्तों। फाइनली दोस्तों अब चल रहे हैं छत पे जहाँ पे हमारा एग्जाम हॉल है, तो वहाँ पे चलेंगे और फिर इसके बाद सबसे पहले मोबाइल देंगे जमा करने के लिए और बैग भी अपने एग्जाम हॉल के जस्ट सामने रखेंगे ताकि मुझे दिखता रहे। फाइनली पेपर हम लोग का हो गया, अब देख सकते हैं सब लोग जा रहे हैं, अब हम लोग भी निकलेंगे। अब फाइनली हम तो निकलेंगे सीधा घर के लिए। एक भाई साहब मिले हैं, बोल रहे हैं हम बादशाहपुर तक चलेंगे। तो मैं सोचा क्यों ना आप मुझे लेते चलो साथ में, बोले ठीक है मैं लेके चलता हूँ। चलो चलते हैं, वो भाई साहब कहाँ हैं उनसे उन्हें देखते हैं पहले किधर हैं। इस भाई साहब अभी बाइक निकालेंगे फिर इसके बाद इन्हीं के साथ चलेंगे, ये जो ब्लैक वाले पहने ही है। तो चलो बैठ गए हैं अब निकलते हैं। गाइस देख सकते हैं भाई साहब, आप कहाँ तक चलेंगे? बादशाहपुर। तो भाई साहब बादशाहपुर तक चलेंगे, वहाँ से हमें लेके चलेंगे, वहाँ तक लेके चलेंगे, फिर इसके बाद मैं देखते हैं कैसे भाई यारो। देख सकते हैं भाई लोग। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इतने मस्त तरीके से जा रहे थे, लेकिन ये रास्ते में क्या हुआ, ये ढाला आ गया जिससे हम लोग स्लो हो गए थोड़ी से। और फिर इसके बाद एक भाई साहब थे जो कि बहुत ही ऊट पटांग बोलने लगे, जिससे हम लोग को जो हमारा बाइक चला रहा था गुस्से हो गए। और फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है छोड़ो जाने दो। और देख सकते हैं ये भाई साहब, ये बोले हमसे कि भाई रिकॉर्ड करो एक वीडियो बनाओ। तो मैं कहा ठीक है चलो बना लेते हैं। देख सकते हैं ये एक्शन मारने लगे, चश्मा लगा के एकदम अक्षय कुमार वाला एकदम पोज दे रहे हैं। भाई साहब क्या बताएं, एकदम लाजवाब लग रहे हैं, एक नंबर बवाल एकदम एकदम दम। या देखो या क्या मुस्कान है। तो दोस्तों चलो उसको छोड़ो, इधर क्या हुआ, इधर देखो इधर भी कांड हो गया लगता है। ओ तेरी, हम लोग जब पूछे इसे क्या हुआ, दोस्तों इसमें क्या हुआ, लिल्ली गाय जो है इस पर कूद गई थी। तो आप लोग बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी चलाइए, ध्यान से चलाइए, क्योंकि लिल्ली गाय सांड़ और गौ माता ये सब बिना देखे कब आ जाएंगी बाइक के सामने, फोर व्हीलर के सामने पता नहीं चलेगा आपको सामने, और फिर इसके बाद एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको आप ध्यान दे के चलाइए गाड़ी। तो दोस्तों आपको हम बता दिए, भाई साहब जो ड्राइवर के ड्राइविंग कर रहे हैं ये भी एग्ज़ाम देने गए थे। तो इनको हम बता दिए, ये भी हमारे मारुति सुजुकी में ही काम करते हैं दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम देने के लिए आए थे 22 तारीख को, हालचाल पूछने के बाद पता चला। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लोग पोज मारते हुए एक्शन मारते हुए सब लोग बाइक चला रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, तो पहुँच चुके हैं हम लोग यहाँ पर तरबूज खाने के लिए, लाल लाल सा। तो फाइनली तरबूज हम लोग को मिल गया, 20 रुपये किलो दे रहा है दोस्तों, देख सकते हैं काट के दे रहा है। तो फाइनली काट के दे दिया, तो हम खाने के लिए देख सकते हैं खाएंगे अभी से। तो ये देख सकते हैं रेड रेड है एकदम हाथों में, कितना प्यारा लग रहा है, और सब लोग भी खा रहे हैं। चलो मज़े के साथ खाते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली ये पहुंच चुके हैं बादशाहपुर, और जहाँ पे भाई साहब हमें रोकेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा लगा है, जाम भी बहुत ज़्यादा लगा है। तो हमें भाई साहब ने उतार दिया और हाथ हमसे मिला के और अपना निकल गए हैं, और हम मौला परिंदा की तरह देख सकते हैं। फिर अब चलेंगे, देखेंगे कौन मिलेगा रास्ते में कि लिफ्ट ले दूसरे से। तो चलिए कोशिश करना अपना जारी रहेगा कि जब तक कोई मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो किसी न किसी से लिफ्ट लेंगे और फिर इसके बाद चलेंगे। तो दोस्तों किसी दूर जाते जाते दोस्तों हमें एक मिल जाते हैं भाई साहब, और बड़े ही मुस्कान के साथ, देख सकती क्या मुस्कान है, वाह क्या बात है, वाह भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं सच में। अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई साहब सच में बड़े लाजवाब लग रहे हैं, एक नंबर का। तो दोस्तों इनसे हाल चाल हुए दोस्तों, तो ये भी कि चलेंगे 4-5 किलोमीटर तक चलेंगे, और फिर इसके बाद वहाँ से देखते हैं फिर दोबारा कौन मिलता है। तो दोस्तों इनका हाल चाल हो गया फाइनली अच्छे तरीके से, तो चलो हम चलते हैं और फिर इसके बाद आपसे फिर मिलते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ। फाइनली भैया जी यहाँ पर रुके हैं, और भैया जी बोल रहे हैं हमारे सब्सक्राइब कर दो अपना ताकि वीडियो मुझे मिल जाए। तो मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ आपका यूट्यूब, किधर है ये यूट्यूब रहा। अगर आपसे भी कोई पूछता हो कि आईडी क्या है तो हम दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है मिस्टर MREENSION, आप ऐसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इतना, यहाँ पे सर्च डाल देंगे, सबसे ऊपर में हमारा देख सकते हैं चैनल आ गया, ये चैनल है। सब्सक्राइब कर दें? हाँ कर दीजिए सब्सक्राइब, और घंटी भी दबा दियो, घंटी भी दबा दियो ऐसे ऑल पे। अली भैया जी को अब विदा करते हैं, चलिए भैया जी ठीक, अब देखते हैं कौन अब लेके चलता है दूसरे स्लिप, देखते हैं।
तो गाइस मोबाइल 7% चार्ज है, तो पावर बैंक निकालते हैं और चार्ज लगा देते हैं और जेब में रख लेते हैं पावर बैंक। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं 5 मिनट इंतजार करने के बाद भैया जी मिल चुके हैं। और भैया जी का एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि भैया जी से एक बार में ही लिफ्ट मांगने पर भैया जी तुरंत रोक दिए और फिर इसके बाद मुझे लेकर चल रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि मुझे ये मछली शहर तक लेकर चलने। जी हाँ दोस्तों, मछली शहर तक फाइनली मछली शहर पहुँच चुके हैं। मछली शहर लाने वाले देख सकते हैं भैया जी हैं, जो कि ये भी एग्जाम दे के आ रहे हैं। चलो चले गाइस, फाइनली भैया जी हो गए हैं उधर। और आपको हम बता दें, वो फाइनली एग्ज़ाम दे के ही आ रहे हैं, हमसे बात हो गई है। वो अब जो है 29 तारीख को एक एग्ज़ाम है, 31 तारीख को भैया जी का नंबर लिए हैं, बोल रहे हैं फ़ोन कर देना, हम साथ में चलेंगे। मछली सर, वो जौनपुर में उनका घर है, तो बोल रहे हैं मछली सर आ जाएंगे। अरे यहाँ पे आ जाना तुम पहले से ही, मैं आऊँगा यहाँ पे लेके चलूँगा, 11 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाना। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे हम, आपको कॉल कर लेंगे एक बार। बोले ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा था कैसे जाएंगे यार परीक्षा देने के लिए, तो फाइनली दिक्कत ख़त्म। इस घर पे बच्चे लोग हैं, मतलब राज है, रंजीत है, खुशी है, उन लोग के लिए ले लेते हैं कुछ खाने वाला, नमकीन वगैरह। तो गाइस देख सकते हैं, एक पैकेट नमकीन ले लिए, एक पैकेट चॉकलेट और ये बिस्किट, सब सामान ले लिए सारा। और फिर इसके बाद अब चलेंगे मीठा लेंगे। और मोबाइल मेरा 1% चार्ज है, तो ये जिसे पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब इनके पे करते हैं ज़्यादा पैसा, इनसे लेंगे और फिर चलेंगे मीठा लेंगे। क्या पता मोबाइल से चौक हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, मीठा उठा लेने के बाद जैसे मैं रोड पे आया तो भैया जी को रोका, एक लोग को रोका तो फाइनली वो नहीं रोके, तो फिर दूसरे लोग को रोका तो ये भैया लोग जो है रोक दिए। ये फाइनली भैया जी जाएंगे मियाँ चके तक। तो हमें जो है हमारा जंगी रोड एक आता है, जंगी रोड से 3 किलोमीटर पहले ही वहीं से मुड़ जाएंगे, तो फाइनली बोल रहे हैं वैसे वहाँ तक आपको लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ तक ले चलिए, फिर इसके बाद देखेंगे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं बडेरी। अभी यहाँ से हमें कितना किलोमीटर जाना है, अभी यहाँ से हमारा 6 किलोमीटर हमारे घर है। तो भाई लोग उधर से उधर जाते हैं, तो लोग वहाँ से चले गए, हरिद्वारी की साइड जाना था उन्हें, तो चले गए। तो यहाँ से अब देखते हैं किसी को लिफ्ट लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ चलते हैं वहाँ पे। और गाइस हम आपको बता दें, अभी तक घर पे नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी घर पे नहीं, अंकल जी को कॉल किए ताकि वो बता देते हैं, अंकल जी को मतलब लड़कों लोग को नहीं, बच्चे लोग को नहीं बताया, जैसे खुशी को, राज को, रंजीत को, किसी को नहीं बताया कि भैया जी तुम्हारा आ रहा है। तो अंकल जी को फ़ोन किए थे ताकि खाना वाना बन जाए, नहीं तो हमारे लिए बता देना ज़रूरी है ना, नहीं खाना वाना बने अपने लिए बनाए, तो इसलिए बताना पड़ता है। तो एक बार अंकल जी को बता दिया और उनसे बोले कि बच्चों को मत बताना, और उनके लिए सब ले लिए हैं खाने वाला। अब चलेंगे जंगी रोड से मीठा लेंगे और फिर इसके बाद कुछ नहीं। और चार्ज भी 1% है, देखते हैं चलता है कि नहीं, कितना बैटरी। ये देख सकते हैं रंजीत, क्या पता था हम आ रहे हैं? नहीं बताता ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सिवाई बनाता सच्ची में? तू ना जानता, देखा सिवाई बनाता जानते का ही बना था, पहले ही फोन करके बता दे रहे चाचा के, आवत है अब हम ही कह रहे जिन बताया लड़ी करके। कलिया है ही, अब बैग खोल के दिखाई तो पता चले कलिया ही। आओ बैग खोल के देखे कलिया ही। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच, तो गाइस फाइनली अब चल रहे हैं खाना खाने के लिए, दिखाते हैं आपको क्या बनाए हैं चाची। देख सकते हैं चाची निकाल रहे हैं इधर खाना, ये आलू का सब्जी, और फिर इसके बाद इधर क्या बना है इसमें, इधर इधर बना है सेवई। तो गाइस चलिए खाते हैं, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खाना खा लेते हैं, निकाल रहे हैं खाना। चलो तब तक के लिए टाटा बाय।